गर्मियों में नहाने से 2 मिनट पहले इस फेशियल को कर ले, आपकी स्किन से सारे टैन हट जाएंगे, आपकी स्किन डे बाय डे ब्यूटीफुल हो जाएगी और ब्राइटन हो जाएगी। चलिए बताते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लीन बाउल ले लेना है और इसमें हम प्रिपेयर करेंगे पूरी रेमेडी। मेक श्योर कि आप जिसमें भी यू बनाने वाले हैं पैक, वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दही यानी योगर्ट, जो जिसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे स्किन पे जा करके एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो आपको यहाँ पे योगर्ट यानी दही ले लेना है, कर्ड लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल, अगर गाढ़ी है तो गाढ़ी ले सकते हैं, अगर लिक्विडी है तो लिक्विडी भी ले सकते हैं, ताकि ईजिली ये मिक्स हो जाएगा पूरे फेस पैक में। दही हमारे स्किन से एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, मॉइस्चराइज करता है। अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल जो कहते हैं ना नेचुरल लोशन वाला बिल्कुल लुक आएगा, चेहरे पे आपका बिल्कुल लोशन नहीं भी लगाइएगा तो ये बिल्कुल आपके स्किन को मॉइस्चर करके रखेगा। ड्राई स्किन वाले के लिए दही बेस्ट है, तो हमेशा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, आप दही का इस्तेमाल किसी के साथ भी करेंगे, आपके स्किन से ये बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला है। सो आपको यहाँ पे 1 चम्मच भर करके दही यानी योगर्ट ले लेना है। इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं ग्राम फ्लोर यानी बेसन, मेरा ऑल टाइम फेवरेट इंग्रेडिएंट है ये। ये हमारे स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, हमारे स्किन को क्लींजिंग का काम करता है। ये बेस्ट फेस वॉश के जैसा आप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट टाइम से चला आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है, जो हमारे स्किन पर जा करके हमारे स्किन से बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ब्राइटन टाइटन करता है। साथ ही बेसन में इतनी सारी कैपेसिटी होती है कि हमारे स्किन से रिलेटेड बहुत सारे इशू को ईजिली सॉल्व कर देता है। छोटे छोटे दाने हो रखे हैं वो आपके कम हो जाएंगे, आपके स्किन ब्राइटन हो जाएगी, टैन हट जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच भर करके आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी। यस फ्रेंड, यहाँ पे मैं मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्मियों के लिए मुल्तानी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके ड्राई स्किन वाले हो या फिर आप ऑयली स्किन वाले हो, अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आने वाले हैं। साथ ही अगर आपके स्किन पर एक्ने स्कार्स हैं या फिर एक्टिव एक्ने हैं, तो ये आपके एक्ने को हील करता है। इसे कर लेंगे हम अच्छी तरीके से मिक्स। अगर ये आपसे मिक्स अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप रोज़ वाटर या डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करके इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा मिक्स। मिक्स करने के बाद आपको इसे अपने पूरे फेस में इसका एप्लीकेशन कर लेना है। ये हमारा फेस पैक बन के तैयार हो चुका है, जो मैं गर्मियों में नहाने से 2 मिनट पहले ज़रूर प्रिपेयर करती हूँ एंड इसका इस्तेमाल हमेशा करना चाहती हूँ। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, सारे इंग्रेडिएंट जो है ना नेचुरल है, आपके घर में किचन में इजीली अवेलेबल है। तो जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये हमारा फेस पैक बिल्कुल बन करके प्रिपेयर हो चुका है, सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं गर्मियों में रेगुलर करती हूँ, अगर आप चाहे आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल कर लें और अपने पूरे स्किन को ब्राइट एंड टाइटन बनाएं। तो इससे पहले आपको अपनी स्किन को कर लेना है, फेस वॉश कर लीजिए, क्लींजिंग कर लीजिए, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाए। क्योंकि हम कहते हैं ना, गंदे कैनवस में हम पेंटिंग नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम गंदे चेहरे पे इस फेस पैक का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो मैंने अपने स्किन पे प्रॉपर क्लीन कर लिया और इस फेस पैक को ब्लेंड कर रही हूँ। ये इजली आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, आपकी स्किन से बहुत सारे प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व करा देगा। आपकी स्किन पर टैन हो रखा है, त्वचा बहुत ज़्यादा काली पड़ चुकी है, तो आपको क्लीन करके अपने पूरे फेस पूरे स्किन पर लगा लेना है। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़का है लड़की है आप इसका इस्तेमाल करें। आपके चेहरे से बहुत सारे प्रॉब्लम इजली सॉल्व हो जाएंगे, टाइटन हो जाएगी आपकी स्किन। ये मेरा बहुत इंस्टेंट बनने वाला फेस पैक है, जो मुझे लगता है कि इसके सारे इंग्रेडिएंट जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे स्किन के लिए। हम काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं एंड नेचुरल चीज़ों पे यकीन करें, आप इसका इस्तेमाल करें। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझ पर यकीन नहीं करें, आप खुद से इसका इस्तेमाल करके आपको चेंजेस नज़र आए, तभी मेरे चैनल पे आपको आकर के सिर्फ एक लाइक और मेरे कमेंट में आकर अपना हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करना है। सो आपने यहाँ पे मैंने अपने पूरे स्किन में इसको ब्लेंड कर लिया है, लगा लिया है। 15 से 20 मिनट आपको रख लेना है। आप इसे अपने हैंड में, नेक में, बैक में, हर जगह लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन में हैंड अनटोन है, अगर आपके चेहरे से कम है, अगर आपकी जो फेस ज़्यादा फेयर है एंड हैंड कम है, तो आप इसका इस्तेमाल अपने हैंड, लेग, हर जगह पे कर सकते हैं।
तो आपको अपने चारों तरफ आपको लगा लेना है और उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट रखने के बाद इसे वॉश आउट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपने पूरे हैंड में लगा ले लेना है, आपको एल्बो में लगा लेना है, जहाँ भी आपका डार्कर एरिया है वहाँ पर आप लगा करके इसे वॉश कर सकते हैं। तो ये आपको गर्मियों में आपकी स्किन से टैन को रिमूव करेगा, आपकी स्किन जल चुकी है, काली झावली पड़ चुकी है। बहुत बार ऐसा होता है हाउसवाइफ जो कुकिंग करती हैं उन्हें पता नहीं होता कि उनकी स्किन क्यों जलती जा रही है, काली पड़ती जा रही है, पर गर्मियों में हमारी स्किन काली हो जाती है कुकिंग करने की वजह से भी, वो हम कहते हैं कि हमारे स्किन पे टैन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे अपने आँख के नीचे दो कुकुम्बर रख रही हूँ, ये आपके डार्क सर्कल्स को ईजिली रिमूव कर देता है। तो आपको इसे रख लेना है और इसके बाद 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से रेस्ट ले लेना। मेरा स्किन पे पूरे आप देख रहे हैं पूरा सूख चुका है, 15 मिनट ओवर हो चुका है। तो आपको इसके बाद वॉश आउट कर लेना है। मैं यहाँ पे वॉश आउट करके आपको दिखा रही हूँ कि मेरी स्किन कितनी ब्राइटन हो गई है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरीके के वीडियोस हमेशा शेयर करती हैं। एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट विदाउट फिल्टर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा लाइट एंड विदाउट एनी मेकअप, मेरी स्किन काफ़ी ब्राइटन हो गई है एंड ये है मेरा नेचुरल एंड ग्लोइंग लुक। सो आपको भी करना है नहाने से 2 मिनट पहले इसका इस्तेमाल, एंड हॉनेस्ट रिव्यू ज़रूर आके शेयर करें। बाय, टेक केयर।